असमय गंजेपन से आजकल सभी लोग परेशान हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदले खानपान और मॉडर्न जीवन शैली के चलते लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आपके बालों का झड़ना एकदम कंट्रोल हो जाएगा। नारियल का तेल। नारियल का तेल बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए करीब 20 ml नारियल के तेल में थोड़ा सा आंवले का तेल मिलाएं, 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और फिर सिर पर मालिश करें और थोड़ी देर रहने दें। इसके बाद सिर को अच्छे से शैम्पू से धो लें। हफ्ते में कम से कम 4 बार ऐसा करें। ऐसा करने से धीरे धीरे बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। मेथी के दाने नारियल तेल में मिलाकर सिर में लगाने से भी बाल झड़ने रुक जाएंगे। इसके लिए थोड़े से मेथी के दाने लें और उन्हें नारियल तेल में फ्राई करें। ठंडा होने के बाद इससे सिर के बालों की जड़ों तक मालिश करें। इस तरीके को हफ्ते में 2-3 बार करें। तो आमतौर पर लोग सिर में मेहंदी चमक और रंग पाने के लिए लगाते हैं, लेकिन कम लोग ये ऐसा जानते हैं कि मेहंदी बालों को झड़ने से भी रोकती है। इसके लिए मेहंदी के कुछ पत्तों और सरसों के तेल को उबालें और ठंडा होने पर और उस तेल से सिर पर मालिश करें। तरीके से हफ्ते में 2-3 बार मालिश करें और कुछ ही वक्त में बालों का झड़ना आपके रुक जाएगा। दही और बेसन को एक साथ मिक्स करें और उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाकर सिर पर अच्छी तरह से लगाएं। 3 या 4 घंटे के लिए सिर को ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धोकर अच्छी तरह शैम्पू कर लें। हर हफ्ते ऐसा करें, कुछ वक्त में आपको फायदा देखने को मिलेगा। शहद और जैतून का तेल। जैतून का तेल बालों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है तो इसे शहद के साथ मिलाकर बालों की जड़ों तक लगाएं। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार ऐसा करें जिससे बालों का झड़ना रुक जाएगा। प्याज का रस हेयर फॉल कंट्रोल में काफी मदद करता है, इसलिए तो प्याज को काटकर बालों की जड़ों पर मालिश करें या फिर उसका रस निकालकर जड़ों में लगाएं। इससे बालों के झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। दरअसल प्याज बालों में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे बालों की ग्रोथ होती है। वहीं आपको अपना हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जब भी आप शैम्पू करें तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले गुनगुने तेल से मालिश करें। सरसों या नारियल के तेल से मालिश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। गीले बालों में कभी भी कंघी ना करें। ऐसा करने से बालों की जड़ें खिंच जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं। हफ्ते में 1 बार बालों को भाप जरूर दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके जरिए आप अपने बालों का झड़ना आसानी से रोक सकते हैं। जानकारी कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी देश दुनिया की हर डिटेल अपडेट जानते रहने के लिए TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट से जुड़े रहें।